केजरीवाल मुर्दाबाद 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 केजरीवाल मुर्दाबाद 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 कि आज भी वो ये कह रहे हैं कि उनमें इसका हाथ नहीं है, कोई घोटाला था ही नहीं। जबकि मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, अगर कोई घोटाला नहीं था तो रातों रात ये जो उन्होंने स्कीम दी वापस क्यों ली? दूसरी चीज़, इनके जो बिल्कुल पक्के साथी थे दिनेश अरोड़ा जी, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने राघव चड्ढा जी से फ़ोन करवाया था और कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मेरे बेटे जैसा है, आप इनकी हेल्प कीजिए, इनको 100 करोड़ रुपये का लोन दीजिए। वो आज सीबीआई के बाद ईडी के भी सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो अब इनका खेला बंद हो चुका है। इन्होंने ना सिर्फ जनता को पिलाई, खुद जनता की गाड़ी कमाई के पैसों को भी ये पी गए। और अगर कहते घोटाला नहीं हुआ है तो मैं पूछना चाहूँगी कि आज कहाँ पर राशन कार्ड बन रहे हैं जो जनता को मिलना चाहिए, उनके हक का पैसा। कहाँ सीनियर सिटीजन को पेंशन मिल रही है, वो नहीं मिल रही। दिल्ली का विकास नहीं हो रहा। एजुकेशन स्तर, जिसको ये कहते हैं मेरा बेस्ट एजुकेशन मॉडल है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी, वो पैसा आखिर गया कहाँ? वो फंड आखिर गया कहाँ? वो फंड गया केजरीवाल जी की जेबों में, उनकी तिजोरी में। और अब समय है कि सत्येंद्र जैन जी उनका इंतजार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई डूबिया था, मैं तो चला गया, और संजय सिंह को भी लेकर आई।